हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 26 जनवरी प्लस सरस्वती पूजा, तो मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और वैसे तो आज मेरा ऑफिस छुट्टी है तो मैं घर पे ही हूँ, और ये देख सकते हो मैंने येलो गाउन डाल रखा है। तो आज कुछ मैं सोचा घर पे ही हूँ तो कुछ इंटरेस्टिंग कुछ करते हैं, तो वही करने वाले हैं। तो वीडियो बने रहिए, वीडियो में अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या है कि एक छोटा सा स्टोरी है, मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी। वो क्या है मैं बताती हूँ। एक्चुअली क्या है कि ऐसे तो सरस्वती पूजा भी है, तो सरस्वती पूजा तो हम लोग वैसे हमारा एक और घर है जो कि सलकिया साइड में ही है। यहाँ जहाँ मैं अभी रहती हूँ प्रेजेंट में, ये तो मैंने लास्ट 2 ईयर्स हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट करा है। और हम लोग का इससे पहले भी एक घर था जो कि था छोटा मोटा ही था, तो हम लोग वो घर से ये घर में शिफ्ट हुए हैं। तो वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से जैसे स्कूल डेज कॉलेज डेज मेरा बचपन से लेके कॉलेज लाइफ भी बोल सकते हैं पूरा मेरा उसी घर में ही बीता है। तो हम कभी मौका मिला तो आप लोग को वो घर भी दिखाएंगे। और वहाँ पे क्या है, एक्चुअली क्या है कि मैं जो स्टोरी बताने वाली थी, वहाँ पे हम लोग सरस्वती पूजा भी सेलिब्रेट करते थे। तो अभी तो टाइम अगर शायद मिलता नहीं, हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए तो वैसा सरस्वती पूजा भी वैसा मतलब वैसे अच्छे से मूर्ति वगैरह ला के सेलिब्रेट नहीं करते, ऐसे पूजा तो रोज ही होता है। तो मौका मिलेगा तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे घर के मैं कैसे, वो हमारा घर कैसा था। और ये घर तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही है, मैंने अपने होम टूर का मतलब वीडियो बनाया, तो मैं आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, देख लीजिए। जहाँ मैं अभी प्रेजेंट रहती हूँ और जहाँ पहले रहती थी वहाँ का कुछ अलग ही नज़ारा था, जो कि बाद में दिखाएंगे आप लोगों को। कभी मौका मिलेगा तो वो घर भी आप लोगों को दिखाएंगे। कहा जाता है कि स्ट्रगल पीरियड सबके लाइफ में ही आता है, तो उनमें से सब मेरे लाइफ में भी आया है, तो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तब तक आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। और चलिए आज का जो मेरा वीडियो है, एक्चुअली क्या है कि येलो कलर से आप लोगों को कुछ अगर हिंट मिल रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताओ। आज मैं कुछ न्यू ट्राई करने जा रही हूँ, मतलब आज कुछ नया मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को कुछ न्यू कंटेंट देंगे, तो मेरे चैनल पे भी ये फर्स्ट वीडियो होगा वैसे तो। और काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ मैं आज के वीडियो को लेकर। और वैसे आज सरस्वती पूजा है ना, और रिपब्लिक डे भी है, तो बिल्डिंग के नीचे आसपास में गाने वगैरह बज रहे, तो मुझे टेंशन हो गया कि मैं किस तरीके से शूट करूँगी। वैसे तो अभी सुबह का ही मैं शूट कर रही हूँ, अभी ब्रेकफास्ट लंच डिनर अभी बाकी है, तो देखते जैसा होता है आप लोग यहाँ शेयर करेंगे। वैसे मैं आज येलो कलर फ्रूट चैलेंज करने वाली हूँ, जी हाँ, येलो कलर फ्रूट चैलेंज, इसलिए मैंने येलो डाल के रखा है। और सरस्वती पूजा के टाइम, और वैसे अच्छा दिन भी है आज, सरस्वती पूजा भी है, तो आज येलो वैसे ही पहनना चाहिए। कहा जाता है ऐसे स्कूल डेज में थे तो साड़ी वगैरह पहनते थे। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो फूड कलर चैलेंज है, जो कि येलो फूड कलर चैलेंज है। मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर और स्नैक्स जो भी है येलो कलर का ही खाऊंगी वैसे। और इसके वो थोड़ा चैलेंज को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ये येलो गाउन डाल रखा है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये चैलेंज का शुरुआत ब्रेकफास्ट से ही होगा, तो चलिए फटाफट नीचे जाते हैं और कुछ अच्छा सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो तब तक के लिए ब्लॉग पे बने रहिए फ्रेंड्स। ब्लॉग मेरे अगर पसंद आएगा तो ब्लॉग लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। तो चलिए वीडियो को अब मैं नीचे से ही कंटिन्यू करती हूँ। और वैसे आज का ब्लॉग है तो प्रॉपर ब्लॉग शूट हो रहा है, कोई मिनी ब्लॉग नहीं आएगा, तो आप लोग ब्लॉग पे मेरे बने रहिए। और आप लोगों को मेरा मिनी ब्लॉग कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता, आप लोग कमेंट करके बताओ। तो मैं मिनी ब्लॉग भी बीच बीच में डालती रहूँगी, और जब मुझे टाइम मिलता है तो बोलने का बात नहीं है, मैं अपने कैसे करके टाइम निकाल के ब्लॉग वगैरह शूट कर लेती हूँ। तो उनमें से आज का टाइम है, तो मैं सोचा आज का टाइम वेस्ट नहीं करके चलिए कुछ ब्लॉग शूट कर लेते, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे, तो वही करने वाली हूँ। तो ब्लॉग पे बने रहिए फ्रेंड्स, और जो चैलेंज है मेरा स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली अपने किचन में आ गए हैं, और दिखाते हैं अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैंने ये MTR का पोहा लिया है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा ये 3 मिनट्स में कुक हो जाएगा। तो चलिए फटाफट चैलेंज को पूरा करते हैं और चुटकी में बनाते हैं। तो ये देख सकते हो, ये इसमें जस्ट गर्म पानी ऐड करेंगे तो मेरा पोहा बन के रेडी हो जाएगा।
तो चलिए बनाते हैं। और इसके पीछे लिखा भी हुआ है कि किस तरीके से बनेगा। मैं तो ये फर्स्ट टाइम ऐसे बना रही हूँ घर पे। वैसे तो सबसे पहले मैंने वाटर को बॉयल होने के लिए बैठा दिया है, तो थोड़ा गर्म होगा तो हो जाएगा। तो ये देख सकती हो निकालने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन इसमें पूरा क्रंची क्रंची। इसे मन कर रहा थोड़ा सा सूखा खा के देखेगा कैसा लगता है कैसा नहीं। तो इसे मैं थोड़ा सा सूखा खा के देखूँगी कैसा लगता है ये टेस्ट। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। बढ़िया लग रहा है, थोड़ा सा खट्टा लग रहा है। खट्टा नहीं, थोड़ा सा खट्टा खट्टा वाला फील आ रहा है, लेकिन बढ़िया लग रहा है। मैगी भी वैसे सूखा ही अच्छा लगता है खाने में। तो बातों बातों मेरा गर्म पानी हो चुका है, तो मैं इसे जस्ट ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद ये जैसा रेडी हो जाता है तो आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से एक्चुअल में कैसा दिखता है। ये जस्ट मैंने फूड चैलेंज मैंने करा था, तो इसलिए मैंने ये मार्केट से उठाया। और ऐसे घर पे बन मैं नॉर्मली लेती नहीं हूँ, खाती नहीं हूँ वैसे। तो ये देख सकते हो मेरा ये पोहा बनके हो गया है रेडी। और ब्रेकफास्ट का शुरुआत पोहा के साथ, ये फ्रूटी के साथ जो कि येलो येलो है पूरा सा। तो येलो पहला जो ब्रेकफास्ट है, ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट होने वाला है, जो कि आप लोग देख सकते हो हेल्दी भी है। तो चलिए अपने ब्रेकफास्ट को रखते हैं अपने प्लेस पे, और आज का चैलेंज एक्सेप्ट किया है मैंने, तो उसको पूरा कंप्लीट भी करना है ना। तो फाइनली मेरा ये ब्रेकफास्ट है, तो चलिए इसको फटाफट फिनिश करते हैं। तो चलिए फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं। और आप लोगों को आवाज़ आ रहा होगा, गाना का बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रहा है, तो मैं ज़्यादा बोल कर ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए फटाफट ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं, उसके बाद में फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। आप लोगों ने भी देखा मैंने हेल्दी सा ही ब्रेकफास्ट करा। ब्रेकफास्ट में पोहा एंड वो फ्रूटी जूस। और वैसे तो ब्रेकफास्ट मेरा फिनिश हो चुका है, अब टाइम आएगा लंच का। तो लंच में मैं जो भी जैसा करूँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और वैसे काफ़ी मज़ा आ रहा है येलो कलर फूड चैलेंज करने में, और ये मेरे चैनल पर फर्स्ट वैसे वीडियो है फूड कलर चैलेंज का। वैसे मुझे तो अच्छा लग रहा है ये नया कुछ ट्राई करने में, और मज़ा भी आ रहा है बनाने में। और जैसे मैंने सब सारा चीज़ जुगाड़ करा है, उसके जस्ट एक दिन पहले ही मैंने सारा चीज़ जुगाड़ करा है। येलो कलर है तो येलो कलर का ही मुझे सब कुछ खाना है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं ट्राई करूँगी कि फूड कलर चैलेंज इसी तरह कोई दूसरे फूड कलर चैलेंज के साथ वीडियो बनाने का, तो आप लोग कमेंट करके बताना। और वैसे तो इंजॉय कर रही हूँ मैं आज का डे, और आप लोग भी आई होप कि आप लोग भी इंजॉय कर ही रहोगे। वैसे तो ऑफिस वगैरह आज सारा छुट्टी होगा मेरा भी वैसे छुट्टी है। तो चलिए अब डायरेक्ट लंच के लिए मिलेंगे। लंच में मैं क्या करूँगी जैसा जो करूँगी आप लोग को बताऊँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस। और वीडियो मेरा अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर वीडियोज। तो अब मिलते हैं डायरेक्ट लंच टाइम में। Something about you feels so different. Yeah, you mess me up inside. It's like your energy was kissing my soul back to life, was living. Now it feels like every part of me is dying. तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा टाइम हो चुका है लंच का। तो मैं लंच बनाने वाली हूँ। लंच में मैं क्या बनाने वाली हूँ, सिंपल सा ही चीज है जो कि मैं लंच में दिखाई, तो मैं क्या खाने वाली हूँ उसको मुझे कुक भी करना है वैसे। तो लंच में हम ये बनाने वाले हैं मैगी, जो कि येलो येलो डैटी फेलो, बट आई एम नॉट डैटी फेलो, आई एम अ क्यूट पर्सन। व्हाट डू यू थिंक, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आज पूरा मैचिंग मैचिंग का खाना खाना है ना, जो कि मैंने चैलेंज लिया है येलो कलर फूड चैलेंज, तो उसे मुझे फुलफिल करना ही होगा। तो इसकी रेसिपी मैं क्या ही दिखाऊँ, मैंने अपने लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो में दिखाया था मैंने किस तरीके से मैं घर पे मैगी बनाती हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोग जाके देख लेना। तो फटाफट पहले मैगी बना लेते हैं, मैगी बनाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तब तक लिस्ट से चुन गाइस। तो फाइनली मेरा मैगी बन के हो चुका है रेडी, जैसा कि आप लोग देख सकते हो डिलीशियस लग रहा है ना। और साथ में ये दो बनाना है जो मुझे खाना है। तो मेरा आज का लंच यही होने वाला है, मैगी एंड टू बनानास। तो चलिए इसको अपनी जगह में रखते हैं, उसके बाद अपना
खाना स्टार्ट करेंगे, मतलब लंच स्टार्ट करेंगे, और चैलेंजिंग लंच है वैसे। चलिए फटाफट अपना लंच को जगह पे रखते हैं, और ये दो बनाना जो कि एक हाथ, दोनों हाथ से तो दो फूड लेके नहीं जा सकती, वैसे भगवान दो हाथ ही सबको देते हैं, आई एम जोकिंग। तो चलिए फटाफट इस लंच को ख़त्म करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। फाइनली मेरा लंच फिनिश हो चुका है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, मैंने लंच में वो मैगी और दो बनाना खाया, तो इनफ था मेरे लिए। लेकिन दो बनाना जो मैंने लिया था, मैंने उसमें से एक ही खाया, क्योंकि हेवी हो गया था, मैगी का क्वांटिटी तो ज़्यादा था, वैसे मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ। तो लंच तो मेरा हो गया है कम्प्लीट। जितना इस वीडियो को लेकर एक्साइटेड थी, उसी हिसाब से मैं मुझसे जितना हो पा रहा मैं कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। जैसा भी लग रहा होगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को कलरफुल फूड कलर चैलेंज का वीडियो और अगर चाहिए होगा इन फ्यूचर, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और वैसे तो अभी लंच हो गया है, और अभी क्या करेंगे, अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, अब मिलेंगे डायरेक्ट शाम के टाइम में। और एक बात आप लोगों को बता देती हूँ, येलो फूड कलर चैलेंज की वजह से मैंने अपना सबसे फेवरेट चीज़ जो कि टी है, मैंने उसे त्याग दिया है, क्योंकि चाय तो पीले कलर की हो ही नहीं सकती, तो मैंने चाय वगैरह पिया नहीं है। गॉड की अभी तक तो हालत ठीक है। इवनिंग का मुझे चाय, वैसे मतलब मॉर्निंग और इवनिंग का चाय मुझे चाहिए होता है, तो मैं ये फूड, बिकॉज ऑफ फूड कलर चैलेंज की वजह से मैंने चाय को त्याग दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए अब मिलते हैं शाम के टाइम। अभी तो मुझे वैसे हेडेक वगैरह नहीं हो रहा, आई होप कि शाम के टाइम तक भी नहीं हो। ये मेरा डिनर के बाद अगर चैलेंज खत्म हो जाता है, तो मैं ज़रूर एक कप चाय पीऊँगी, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं डायरेक्ट स्नैक्स के टाइम में, तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस। सो फ्रेंड्स, लंच करने के बाद मैं थोड़ा देर के लिए सो गई थी, और अभी टाइम हुआ है स्नैक्स का, इवनिंग स्नैक्स का। वैसे अभी 5:30-6 के करीब हो रहा होगा टाइम, और अभी टाइम हो गया है स्नैक्स का। तो चलिए स्नैक्स करते हैं। मैं स्नैक्स के लिए क्या क्या मैंने जुगाड़ कर रखा है, वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और खाएंगे भी, और साथ साथ में आप लोगों को पीछे बैकग्राउंड का आवाज़ आ रहा होगा, मतलब अभी तक भी गाना वगैरह बजी रहा है, जैसा कि आप लोगों को मैंने वीडियो में बताया ही था। 26 जनवरी सरस्वती पूजा दोनों एक साथ है, तो बिल्डिंग के नीचे हमारा पूजा वगैरह हो रहा है, तो उसी का गाना सुबह से ही बज रहा है। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं दिखाती हूँ मैं स्नैक्स के लिए एक्चुअली मैंने क्या लिया, और गाने का इतना आवाज़ आ रहा है कि मैं सुबह से ही परेशान हूँ, ब्लॉगिंग क्या ही करूँगी। दिखाते हैं आपको, मैंने पहले से ही मंगा के रखा है वैसे। तो ये देख सकते हो, ये मैंने ब्रोजनाथ से ढोकला मंगा रखा है, और भी स्नैक्स है, तो मैं दिखाती हूँ, मैं इसे सर्व कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। सो फाइनली मेरा ये अभी का होने वाला है स्नैक्स, जो कि ये ढोकला है, ये नारियल ऊपर से मैं हटा दूंगी, और ये गाठिया है, और ये लेस है, क्लासिक सॉल्टेड लेस। तो ये मेरा अभी के लिए ये स्नैक्स होने वाला है। ज़्यादा तो नहीं खाएंगे, बस मुश्किल से एक पीस ही खाएंगे, और लेस को प्लेट में रख लेते हैं। तो चलिए फटाफट स्नैक्स कर लेते हैं, जो मैंने आप लोगों को दिखाया स्नैक्स में मैंने क्या लिया है। तो चलिए फटाफट खाते हैं, और ये चैलेंज को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद होगा टाइम डिनर का। तो डिनर में मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तब तक के लिए स्नैक्स खाते हैं, और वीडियो पर बने रहिए आप लोग। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने लेस भी थोड़ा सा क्वांटिटी में प्लेट में ले लिया है, और बस ये एक टुकड़ा मैं कर रही हूँ, बस एक ही पार्ट मैं खाऊँगी, बस एक ही, 4 पीस रहता मैं एक ही पीस खाऊँगी, तो इसमें से मैं एक थोड़ा सा साइड से करके खा रही हूँ। और जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने चटनी नहीं लिया है, चटनी लेने से चैलेंज ही पूरा ख़राब हो जाता है। तो चलिए इसको फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं।
चुका है अब डिनर का, अभी 9:30 बज रहा होगा रात का। तो मैंने डिनर में बहुत ही यूनिक डिश लिया है, बट वो मैं नाम बताऊंगी नहीं, मैं दिखाऊंगी। अगर आप लोग उसका रेसिपी चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वो शेयर करूँगी आप लोग के साथ, और मैं दिखाती हूँ मैंने क्या डिनर में लिया है। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का मेरा ये आज का डिनर होने वाला है, जैसे कि आप लोगों को मैं क्लोज से दिखा रही हूँ। आप लोग अगर गेस कर सकते हो तो गेस करो, और मैं अभी इसका नाम नहीं बताऊंगी वैसे। और येलो है ना, बस इतना ही इनफ है। और उसके साथ मैंने ये पोटैटो चिप्स ले लिया है। तो बस आज का डिनर मेरा यही है, और साथ ही साथ मेरा चैलेंज भी ख़त्म हो गया फाइनली, वो भी सक्सेसफुली के साथ। तो फटाफट मैं डिनर भी फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो फाइनली मेरा जो येलो फूड कलर चैलेंज था फॉर 24 आवर्स, तो मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया कर लिया है। और आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़। और एक बात, मैंने चाय वगैरह नहीं पिया तो मुझे अभी हल्का हल्का हेडेक हो रहा है, तो मैं थोड़ा मतलब अभी तो जस्ट मैंने डिनर किया है, उसके आधे घंटे के बाद मैं एक कप चाय पीऊँगी, भी एक अदरक वाली बढ़िया वाली चाय पीने वाली हूँ, क्योंकि हेडेक अभी हल्का हल्का स्टार्ट हो चुका है। आई होप कि अभी ज़्यादा बढ़े ना, और मुझे कल ऑफिस भी जाना है। तो चलिए वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करते। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये 24 आवर्स फूड कलर चैलेंज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़। और आप लोगों को अगर इसी तरीके का वीडियो अगर और भी चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में कुछ न्यू कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।